हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सोचेंगे कि मैं कहाँ हूँ आज, फूड डायरीज कहाँ से हो रहा है। तो ये थोड़ी देर में आपको बताऊँगी मैं। अभी प्रेप हो रहा है हमारे शो के लिए और आज फूड डायरीज आप देखेंगे यहाँ से। और ये इतनी अच्छी पुरसकून सी जगह है, मैंने कभी कराची में रहते हुए इतने साल देखी नहीं थी। तो कर्टसी आर शो टुडे आई एम हियर और आप लोगों को भी हम सैर कराएंगे इस पीसफुल सी सरीन सी जगह की। आज यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये 1928 में क्लब बनाई गई थी और ये उस वक्त इट वॉज कॉल्ड रॉयल एयरफोर्स यॉट क्लब। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में पाकिस्तान एयरफोर्स यॉट क्लब इसका नाम है। और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ एक क्लब है, ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ मेंबर्स के लिए है, नीचे इट्स ओपन फॉर ऑल एंड इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी आईडी कार्ड एनीबडी कैन कम, कोई भी यहाँ आ सकता है। सुबह से रात तक ये क्लब ओपन है। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। एक बहुत अच्छा पवेलियन साहिबान के नाम से बनाया है जहाँ आप बैठ के वाटर स्पॉर्ट्स एन्जॉय कर सकते हैं। और पीछे इनका लेक्चर हो रहा है स्टूडेंट्स का, तो वो भी आपको आवाज़ आ रही होगी। और हर किस्म की डिफरेंट साइज़ की बोट्स हैं, सेल बोट्स हैं, बड़ी बोट्स हैं एंड अ वेरी वेरी नाइस पीसफुल एनवायरनमेंट। आप आके यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस आराम से बैठ के बस शिप्स बोट्स देखते रहें। एक तरफ डाउन द सी इज़ सी व्यू का एरिया हमारा कराची का, इस तरफ जाएंगे तो इब्राहिम हैदरी का फिशरीज़ वगैरह है एंड इट्स रियली नाइस। और फ्लैग्स हैं जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनको समझ आता है कि जो फ्लैग्स हैं उसमें लिखा है एयरफोर्स यॉट क्लब। वो हम लेमन को नहीं पता चलता है लेकिन सेलर टर्मिनोलॉजी में ये फ्लैग्स के अल्फ़ाबेट्स हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एक पाकिस्तान एयरफोर्स की विमेंस एसोसिएशन की शॉप है और वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ बहुत अच्छी हैंडमेड आइटम्स हैं, बहुत सारी कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू वाटर स्पोर्ट्स, आप बाय भी यहाँ से कर सकते हैं। सो अगर आप भी आना चाहें सो यू कैन कम एंड एन्जॉय दिस क्लब, इट्स रियली नाइस एंड पीसफुल। ये है यॉट हाइव, ठीक है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है पूरा इट्स ओपन फॉर ऑल, आप आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ खाना पीना व्हाटएवर। एंड देन ऊपर जब हम आपको लेके जाएंगे दिखाने के लिए, दैट्स ओनली ओपन फॉर मेंबर्स। तो चलते हैं ऊपर से, बहुत अच्छा व्यू आएगा, आपको फिर दिखाते हैं। सो मैं अब मौजूद हूँ मेंबर्स लाउंज में। यहाँ जिमनेजियम है, सोना है, मसाज चेयर्स हैं, पीछे आपको नज़र आ रहा है मैन केव्स, द सिगार रूम एंड वेरी नाइस पीसफुल। क्या अच्छा यहाँ से व्यू है, इट्स अ पैनोरामिक व्यू। अगर आप देखेंगे तो एक ही झलक में आपको नज़र आएगा पूरा यहाँ से समंदर एंड पीछे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कराची के बाहर, वो वेरी नाइस प्लेस एंड वी जस्ट डिस्कवर्ड इट एंड वी आर लविंग इट। ओके, सो मैं मौजूद हूँ यहाँ फर्स्ट फ्लोर ऑफ यॉट हाइव पे। यहाँ अंदर एक जिम है, आप यहाँ आके खा सकते हैं, इट्स ओपन फॉर मेंबर्स। नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आप आ सकते हैं। दे गॉट लवली मसाज चेयर्स, मेरा दिल कर रहा है मैं आराम से मसाज कराऊँ। और इसके अलावा मुझे दूर दूर जज़ीरे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, जो कराची के बाहर बहुत सारे जज़ीरे थे, आपको पता था ये दूर दूर आपको नज़र आ रहे हैं। अभी पानी नीचे है वरना तो ये सारे छुप जाते हैं पानी के पीछे। और सनसेट और सनराइज़ तो क्या ही बात है, हमने सनसेट देखा है यहाँ बैठ के। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हर रोज़ कराची का सनसेट यहाँ आके देखूँ। आपको वहाँ माहीगीर नज़र आते हैं कंटिन्यूसली, आई एम सीइंग कि बिकॉज इब्राहिम हैदरी बहुत करीब है तो यहाँ क्या क्या मछलियाँ पकड़ रहे होंगे, मुझे तो सी फूड की रेसिपीज़ याद आ रही हैं। आपका भी दिल चाहेगा वंस यू सी आर होल एपिसोड टुडे, तो हमारे साथ रहिएगा और फूड डायरीज का ये स्पेशल शो देखते रहिएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू द मेंबर्स लाउंज और वहां सामने आई कैन सी सम गुडीज। अब शेफ को तो खाने की हर जगह नजर आते हैं ना, और वो भी मीठे। आई कैन स्पॉट सम आमंड फज, जरा ट्राई करते हैं फिर क्या है। और सामने यहाँ जिमनेजियम है, लवली। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आपको मिलेगा ऑफ द एयरप्लेन एंड द बोट्स, वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। जब मैं यहाँ आई और मुझे बताया गया कि ये इतना पुराना क्लब है, तो थिंकिंग बैक मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि क्या यहाँ एम्फीबियन प्लेन्स लैंड करते थे,
तो इन्होंने मुझे कहा हाँ आई रियलाइज दैट माई फादर यूज़ टू वर्क हियर मैनी 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 ईयर्स अगो बिकॉज वो एक एयरलाइन में काम करते थे. जो प्लेन्स आते थे उस ज़माने में वो पानी के जहाज़ होते थे, वो पानी पे लैंड करते थे, दे वर कॉल्ड एम्फीबियंस. और ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो प्लेन्स को यहाँ बांधा जाता था. दिस इज़ एन एंकरिंग पॉइंट फॉर एम्फीबियंस. उन्होंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, इसको तोड़ा नहीं है. दिस इज़ समथिंग विच आई फील इज सो पर्सनल बिकॉज मुझे मेरी अब्बा की याद आ गई बिकॉज वो यहाँ काम करते थे. सोचें कितने सालों बाद मैं यहाँ आई हूँ. मैं आई मीन्स मैं तो कभी भी नहीं आई मगर उनकी मुझे याद इस तरह यहाँ खींच के ले आई. मैं यहाँ खड़ी हूँ साइवान में, जो एक पवेलियन है जहाँ से आपको दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है और जज़ीरे नज़र आ रहे हैं. बोट्स अब तो अंधेरा हो चुका है, सो विथ लाइट्स ऑन आई कैन सी फार फार अवे होराइज़न पे छोटी छोटी बोट्स हैं. और मेरा दिल कर रहा है कि मैं हर एपिसोड यहाँ से करूँ. सीरियसली इट्स सो पीसफुल, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ कोई पैराडाइज में आ गए. ओके जी नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स वुमेंस एसोसिएशन के प्रो शॉप में. अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रियली नाइस स्टफ जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं. बहुत सारी घर की चीज़ें हैं, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर हाउस इज़ अवेलेबल हियर. तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. ओके जी, तो अब मैं आपको सैर कराऊंगी एल्बेट्रॉस की. एल्बेट्रॉस इस क्रूज शिप का नाम है. दो डेक्स हैं और बहुत ही मज़ेदार सी कोई कंफर्टेबल सी बोट है जो आपको क्रूज पे लेके जाएगी. चलिए अब हम आ चुके हैं क्रूज शिप में जिसका नाम है एल्बेट्रॉस. ओह लवली, क्या व्यू है भाई यहाँ से, तो मज़ा आ गया मुझे. ओह लवली, वहाँ अंदर तो इतने आरामदेह सोफे शोफे बने हैं, एक लाइट हाउस नज़र आ रहा है, दूर मुझे लाइट्स नज़र आ रही हैं, शायद कोई आइलैंड है. और ओके, यहाँ भी खड़े हो सकते हैं तस्वीर के लिए. इनका अपना किचन, लवली, इट्स स्पेशियस. ऐसे लग रहा है हम किसी फाइव स्टार होटल में आ गए हैं. डजंट लुक लाइक अ शिप, इट्स अ क्रूज शिप. आप भी आइएगा, इंजॉय करिएगा. खाना भी है यहाँ एंड वेरी नाइस पीसफुल एम्बियंस अवे फ्रॉम द सिटी. नीचे भी है, नीचे चलें जी, बोट की सैर करते हैं. घूम के आते हैं, आपको घुमा के आते हैं. यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जहाँ मैं पहले खड़ी थी, और लाइट हाउस भी है वहाँ. दूर मुझे छोटी छोटी बोट्स की आवाज़ आ रही है. दिस इज वेयर द पायलट सिट्स. कितनी प्यारी ये बोट है, एक्सलेंट. वहाँ पीछे आपको नज़र आ रही है लाइट्स, वो मेरा कुकिंग काउंटर है. तो हम चलते हैं और आपको बहुत ही झटपट सी कुछ कुकिंग करके दिखाते हैं यहाँ फ्रॉम द सी फ्रंट ऑफ दिस लवली पीएफ यॉट क्लब इन कराची. ओके जी, पीएफ यॉट क्लब की तो मैंने आपको सैर करा दी और क्रूज शिप की भी. अब ज़रा कुकिंग की तरफ आ जाते हैं. आपको पता है इट्स अ कुकिंग शो एंड कुकिंग तो हमें करना ही है. तो मौसम के लिहाज से आई एम डूइंग पंजीरी टुडे फॉर यू गाइस, ठीक है. और बहुत ही आसान ये रेसिपी है. सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स को आप घी में तलते हैं और फिर सब कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स करके फूल मखाना वगैरह जार भर देते हैं एंड एन्जॉय करते हैं पूरा विंटर. अच्छा, पहले हम बनाएंगे आज कलेजी कढ़ाई. मटन की कलेजी साफ़ करके मैंने यहाँ रख दी है. बहुत सारे लोग कलेजी नहीं खाते हैं ये सोच के कि ओहो इसमें स्मेल आएगी. तो इसको हमेशा याद रखिएगा, कलेजी में आप लहसुन चॉप करके थोड़ा सा डाल के छोड़ दीजिएगा, फिर उसको अच्छी तरह आप धो दीजिएगा, ठीक है. दिस इज़ अ टिप, धो दीजिएगा इसको और फिर उसको आप पकाएंगे तो कभी भी कलेजी में स्मेल नहीं आएगा. और अच्छी तरह उसको ड्रेन कर दीजिएगा, धो दीजिएगा, एक्सेस जो इसका खून वगैरह है वो निकल जाए.
अज्जा क्या क्या हैं? अदरक है लंबाई में कटी हुई, बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और धनिया है जिससे हम गार्निश करेंगे। टमाटर हैं, ऑब्वियसली कढ़ाई में टमाटर डलते हैं, तेल या घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हल्दी है। साबुत इसमें हम धनिया डालेंगे यानी कोरिएंडर सीड्स और कसूरी मेथी है। इसके अलावा नमक है और ये है जनाब ज़ीरा। ठीक है, वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू कुक इट लाइक अ रेगुलर कढ़ाई। तो ये हम बनाएंगे और फिर आप इसको सर्व करें नान कुलचे के साथ। और फिर पंजीरी की तरफ आएंगे जिसमें हमें सब कुछ फ्राई इन घी एंड देन दैट्स इट, जस्ट मिक्स इट अप टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। इतने अच्छा यहाँ एम्बियंस है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दूर मुझे शिप्स की आवाज आ रही है। तेल आप पहले डाल दीजिएगा। इसमें कोई प्याज नहीं है, ठीक है? सो ऑल यू नीड टू डू इज अदरक लहसुन सारे मसाले एंड देन झटपट स्टर फ्राई, लिटरली स्टर फ्राई। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद आप डालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पंजीरी में जो है ये फूल मखाने हैं। ये बहुत लाइट होते हैं, इनको भी आपको घी में तलना होता है, ठीक है? लोटस सीड्स इसको कहते हैं। पहले सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आई होप आप ये एपिसोड एंजॉय कर रहे हैं जितना हमने यहाँ एंजॉय किया है एट द यॉट क्लब। थैंक्स टू द PF फॉर हैविंग अस हियर। और आप भी एंजॉय करेंगे, आप लाइएगा अपने फैमिली को और आप भी यहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय करिएगा। वाटर स्पॉट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, द एम्बियंस इज जस्ट नाइस। ओके, सो अदरक लहसुन अच्छी तरह आपको भूनना है, उसके बाद आप उसमें साबुत मसाले डालेंगे जिसमें सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल करेंगे और हम कोरिएंडर सीड्स डालेंगे यानी के साबुत धनिया। ठीक है, आप थोड़ा सा कूट के भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। कढ़ाई हैज़ टू बी थोड़ी सी चटपटी वरना मज़ा नहीं आएगा। और नमक ऐसे नहीं डाल दूं कहीं मैं। कसूरी मेथी यानी ड्राई फेन्यूग्रीक सीड्स जो होते हैं उसका पाउडर करके थोड़ी सी आप क्वांटिटी में डालिएगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं कभी भी। मसाले थोड़े भुन जाएं फिर आप इसमें टमाटर डाल दीजिए 3 से 4। कढ़ाई का जो पूरा टेस्ट है एंड मज़ा है वो ऑब्वियसली टमाटरों में है। सो इसको आपने अच्छी तरह पकाना है। यहाँ हवा भी बहुत है, सो वी हैव एन इशू विद द फ्लेम, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ज़रा टमाटर जल्दी से थोड़े से पक जाए, ठीक है? फिर हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे, कसूरी मेथी है एंड ऑल द गार्निश विल गो। अदरक है लंबाई में कटी हुई, बड़ी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, एवरीथिंग लाइक दिस। आप चाहें तो आप कलेजी को थोड़ी देर 15-20 मिनट चॉप किया हुआ लहसुन लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और फिर आप उसको धो लीजिएगा, फिर आप उसको पकाने के लिए डालिएगा। वेरी सिंपल दो रेसिपीज़। आपको पता है मेरे शो में हमेशा मीठा होता है, बेकिंग होता है, लेकिन कान डू बेकिंग यर। सो मैंने सोचा पंजीरी बनाना आपको सिखाते हैं, बिकॉज मैंने इस विंटर में पंजीरी आपको बनाना ही नहीं सिखाई। तो बनाइएगा और खाइएगा, इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स ऑल्सो। ठीक है जी, लहसुन और कलेजी वो एक तरफ छोड़ दीजिएगा। तेल आपने गरम किया, उसमें आपने सारे मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और आपने हल्दी लाल मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्चें डालिए, हरी मिर्चें डालिए, ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत, नमक और फिर आपने टमाटरों को पकने के लिए छोड़ना है। दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। ढक्कन ढाँक दीजिएगा ताकि जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है? यू डोंट नीड वाटर बिकॉज कलेजी का अपना पानी निकलेगा, टमाटर का अपना पानी निकलेगा, तो आपको इसको भूनते रहना है। और यहाँ फ्लैग्स, द विंड सॉक,
आई थिंक मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ आज, आई डोंट वॉन्ट टू डू माई कुकिंग जो ऑब्वियसली मेरा पैशन है, लेकिन हमेशा मैं कुकिंग ज़्यादा जोर देती हूँ. आज मेरा जोर ज़रा इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस पे है, जो कि बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का. ओके जी, जब तक टमाटर हो रहे हैं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. आप हमारा ये स्पेशल शो देखते रहिए फ्रॉम PF यॉट क्लब इन कराची. जी वेलकम बैक. अब हम क्या करेंगे, टमाटर यहाँ हमारे हो गए हैं, ठीक है. गिव इट अ नाइस स्टर. पानी वानी कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ठीक है. टमाटर का अपना जो पानी निकला है, टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें फिर हम डालेंगे कलेजी. और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा. पहले अच्छी तरह स्टर करिएगा ताकि सॉटे हो जाए, ताकि इसका रंग तब्दील हो जाए. ओवर कुक नहीं करिएगा वरना हार्ड हो जाएगी. और फिर आप जब गार्निश करेंगे तो लंबाई में कटी हुई अदरक है, बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, धनिया है और कसूरी मेथी है. कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी ली है क्रश करके हाथ से, वो आप डाल दीजिएगा. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक मुझे दीजिएगा और हमारे सारे शोज़ देखते रहिएगा. पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज आपके साथ लाइव है दोपहर में 3:30 से 4:30. आज का स्पेशल शो हमने यहाँ रात में, शाम और रात में रिकॉर्ड किया है, तो आप एंजॉय करिएगा. और बिग थैंक यू टू द मैनेजमेंट हियर एट द PF यॉट क्लब फॉर हैविंग अस ओवर एंड फॉर कोऑपरेटिंग एंड शोइंग अस अराउंड ऑल्सो. थैंक यू. अच्छी तरह स्टर फ्राई करते रहिएगा, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ठीक है. कलेजी जब भी पकाएं, जैसे चिकन ब्रेस्ट हो और प्रॉन्स हो, उनको कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं. अगर आप ज़्यादा उसको पकाते रहेंगे ये सोच के कि ये पकता रहेगा तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है. तो उसको हमेशा कम पकाते हैं. ऐसे नहीं कह रही कि कच्चा रखें, मेक श्योर कि ये बिल्कुल इसमें से खून वगैरह ना निकले, कच्ची ना हो, लेकिन उसको ओवर कुक नहीं करिएगा. इसको बस हिलाते जुलाते रहिएगा इस तरह. If you are not sure कि हुआ है कि नहीं, तो आप इसमें इस तरह छुरी भी पोक करके देख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये इसी की भाप में पक जाए, बिकॉज मैंने पानी नहीं डाला है. सो इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और मीनवाइल ज़रा हम एम्बियंस एंजॉय करते हैं यहाँ का. और वहाँ मुझे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, they've come to clear यहाँ नज़र आ रहा है. और वहाँ you can see the cruise ship. दूर आपको नजर आ रही है क्रूज शिप जिस पे हम गए थे आपको दिखाने, एल्बेट्रॉस. इट्स गोइंग ऑन अ टूर ऑफ द हार्बर, आई थिंक क्रूज पे जा रही है विद लॉट्स ऑफ लवली डिनर. इतना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं यहाँ कुकिंग कर रही हूँ और पीछे से क्रूज शिप जा रही है. आई एम टेम्प्टेड टू टेक अ पिक्चर ऑल्सो. मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है बचपन से. जब मैं छोटी थी मेरे पास एक उस ज़माने का बॉक्स कैमरा था जो अभी तक मैंने रखा हुआ है, जिसके ऊपर फ्लैश लगाना पड़ता था. कैन यू इमेजिन, आई यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ लैंडस्केप्स मोर देन पीपल. लोगों को शौक होता है ना अपनी तस्वीरें लेने का, मुझे लैंडस्केप्स की तस्वीरें लेने का बहुत शौक था. इट लुक्स लवली. हम कब जा रहे हैं क्रूज शिप पे? इसको मैं स्टर फ्राई कर दूं. मैंने जरा आंच तेज की हुई है बिकॉज यहाँ हवा बहुत है. सो फिर ये कब पकेगा? जस्ट अनदर वाइल. और फिर आप इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, ठीक है. कसूरी मेथी हमेशा कम डालते हैं, क्रश करके डालते हैं. मैं क्या करती हूँ, घर में मैं कसूरी मेथी बनाती हूँ. जब मेथी हम ले आते हैं घर पे, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, फिर उसको आप अवन में ड्राई कर दें. 10 मिनट आप अवन में छोड़ दीजिए, अवन बंद कर दीजिए, वो सूख जाएगी मेथी. हाथ से क्रश करके आप रख लीजिए. इतनी बेहतरीन खुशबू, पूरा साल वो बॉटल चलती है मेरी. और थोड़ी थोड़ी आप खाने में डालें, यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ इट, ठीक है. और बाहर की जो हम लेते हैं वो फिर आप कभी भी नहीं लेंगे, अगर आप घर में एक दफ़ा ये कसूरी मेथी बनाना सीख लेंगे. मैंने आपको बनाना सिखाया भी है शो पे. इट्स वेरी सिंपल, बस सुखाना है आपने, क्रश करके बॉटल भर देनी है. बॉटल भी साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए. और मेथी को ड्राई करिएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल भी गीला नहीं रखिएगा. अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, हरी मिर्चें हम ऊपर से डालेंगे और अदरक के जूलियन स्लाइसेस हैं वो भी ऊपर से जाएंगे.
मेक श्योर कि आप इसको ओवरकुक नहीं करें, ठीक है, ये याद रखिएगा। टमाटर बिल्कुल गल जाएं तब आप इसमें कलेजी डालिएगा। एक दफा फिर मैं इसके ऊपर जरा ढक्कन ढांक दूं। इट्स एब्सोल्युटली डन, ठीक है। आपने देखा मैंने सिर्फ स्टर फ्राई किया, ना पानी डाला, ना दही है, ना प्याज है, वेरी वेरी सिंपल। अब इसको हम निकाल देते हैं डिश में। मेक श्योर आप इसको ओवर कुक नहीं करें, ठीक है, मैं बार बार इस पर एम्फोसाइज कर रही हूँ, इसलिए कि ओवर कुक कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसको फिर रखिएगा नहीं, फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। अब आप इसको ऊपर जूलियन में कटी अदरक इस तरह डाल दीजिए और हरी मिर्चें रख दीजिए। फिर थोड़ा सा हरा धनिया। That's it. एंड और कलेजी कढ़ाई झटपट सी, मज़ेदार सी, मौसम के लिहाज से एब्सोल्युटली रेडी। अब हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी, ठीक है। अब पंजीरी के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने चीज़ें क्या इस्तेमाल की हैं। ये तो हैं मेरे पास 2 से 3 कप फूल मखाने लोटस सीड्स, ठीक है, बहुत हल्के हैं। सूजी है, चीनी है और बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, किशमिश, जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो सब कुछ मैंने यहाँ चॉप कर दिया है। साबुत भी थोड़ा सा रखा है, घी है, इलायची पाउडर है, थोड़ा सा खोपरा डालेंगे और गोंद है जिसको हम अलग से पहले फ्राई करेंगे, एडिबल गम जो है, ठीक है। ओके जी, तो अब हम पंजीरी शुरू करेंगे। मेरे पीछे आपको बोट भी नज़र आ रही होगी, एल्बेट्रॉस द क्रूज शिप, और उसको भी हम ज़रा एंजॉय करते हैं इन द ब्रेक। एंड आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइएगा, देखते रहिए ये स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज फ्रॉम पीएफ यॉट क्लब। ओके जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अब हम पंजीरी शुरू करेंगे। डिश में हमने तो लिवर कढ़ाई निकाल दी थी, ठीक है। फॉर पंजीरी यू नीड अ लॉट ऑफ घी, तो पहले मैं थोड़ा सा लूँगी और उसमें हम एडिबल गम जो है ना, गोंद आपको मिल जाता है सुपरमार्केट में, मैंने भी सुपरमार्केट से ही लिया है। घी जैसे ही पिघल जाएगा हम गोंद डालेंगे। ये देखें इस तरह अवेलेबल है मार्केट में, आपको मिल जाता है। ये फ्राई करेंगे ना जब आप, तो ये डबल इन साइज हो जाएगा। फिर उसमें आप दूसरी चीज़ें डालेंगे, नट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट जो भी डालना है वो डालेंगे और फूल मखाने डालेंगे। खूब अच्छी तरह उसको आप फ्राई करेंगे। उसके बाद आप उसको चूल्हे से हटा के फिर उसमें आप सूजी और चीनी, इलायची पाउडर वगैरह डालिएगा। आप सूजी डाल के भी थोड़ा सा भून सकते हैं घी में, दैट्स नॉट एन इशू। पहले आप घी को अच्छी तरह पिघला दीजिए। फिर आप इसमें ये गोंद डाल दीजिए। गोंद इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। घी में ही करिएगा, ठीक है, तेल में नहीं करिएगा। यू कैन यूज बटर लेकिन तेल नहीं। स्टर फ्राई करिए, इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा डबल भी हो जाएगा ये। ठीक है, कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। ड्राई फ्रूट आपको अगर साबुत रखनी है साबुत रखिए, वरना आप सब कुछ पीस भी सकते हैं। सो इसको मुसलसल चलाइएगा और फिर आप देखेंगे कि जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा बड़ा हो जाए साइज में, तब आप इसके अंदर ये सारी दूसरी चीजें डालेंगे। ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट आपको इस्तेमाल करना है वो जाएगा, एनीथिंग, चॉप्ड भी है और साबुत भी है, दोनों है मेरे पास यहाँ। उसके अलावा हम इलायची पाउडर डालेंगे ताकि सारी चीज़ों में इलायची पाउडर का भी टेस्ट आ जाए। और आप इसमें
रखिए और आप इसको स्टर फ्राई करते जाइए करते जाइए। ब्रेक इट अप, फिर आप इसमें फूल मखाने डालिए, लोटस सीड्स। एंड अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं एट दिस स्टेज। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह चलाते रहना है। अगर आप नट्स वगैरह पीसना चाहते हैं तो नट्स और गोंद को आप पीस लीजिएगा चॉपर में डाल के। आई एम शोइंग यू द बेसिक मेथड, फिर आप घर में पीस भी सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि नट्स मुंह में आए, मगर कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो फिर आप पीस लीजिएगा। अच्छा जी, अब आप इसमें डालेंगे सूजी। जो क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं उससे बहुत सारी पंजीरी बन जाती है। इसको भी आप हल्की आंच पे भून लीजिएगा, कच्ची सूजी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको लगे कि ड्राई होता जा रहा है मिक्सचर, तो आप इसमें डालते जाइए और मज़ीद थोड़ा सा घी। ओ लुक एट द बोट, कहाँ चली गई। बहुत अच्छी सी वेदर है अभी, रियली एन्जॉयबल। ठीक है, यह आपको इसको भूनना है। आपको लगे कि बहुत गर्म हो जा रहा है तो आप इसको चूल्हे से हटा के भूनिए। सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसमें खोपरा डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है, ये चला गया। और आप इसमें चीनी बाद में डालेंगे। चीनी मैं इसमें रख देती हूँ यहाँ, ताकि जब हम इसको मिक्स करेंगे एवरीथिंग इज इन नाउ। ठीक है, सूजी और खोपरा हल्की आंच पे भूनिएगा, वरना क्या होगा कि वो जल जाएगा, नीचे लग जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, फिर बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। ये बना के आप जार, स्टेरिलाइज्ड हो कोई भी जार्स ले लीजिएगा, बड़ी ले लीजिएगा जार्स आप, कोई भी एयरटाइट डब्बा हो, स्टेरिलाइज्ड हो, गर्म पानी में धो के सुखा के अवन में फिर उसका इस्तेमाल करिएगा। फूल मखाने भी अच्छी तरह घी में भूनिएगा, और ये घी इसमें हम और भी डालेंगे। आपको पता है जब भी मैं कोई ऐसी देसी चीज़ बनाती हूँ, मैं हमेशा घी का इस्तेमाल करती हूँ, ऑयल से वो बात नहीं आती। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हमारा आज का ये शो, जो हमने एक बहुत ही डिफरेंट से एम्बियांस में किया है, गिविंग यू अ सरप्राइज, इजंट इट। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करिए। चीनी आप डालेंगे जब ये आप इसको पैन में से निकाल देंगे। अगेन इट्स स्टार्टिंग टू ब्राउन, तो आपने इसको चूल्हे से हटा लेना है। कुछ लोग इसमें फूल मखाने बिल्कुल नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करिएगा। वी मिक्स इट अप और फिर आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी, पंजीरी इस मौसम के लिहाज से और दिस मटन की लिवर की कढ़ाई। ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली फॉर दिस शो। ठीक है, कीप मिक्सिंग इट, कीप मिक्सिंग इट, छोड़िएगा नहीं, हाथ नीचे कहीं लग ना जाए। बड़े से पैन में करिएगा इफ़ यू प्रिफर, ठीक है, ताकि अच्छी तरह भुने ये। जब खुशबू आने लगे सूजी की स्पेशली, दैट्स द टाइम जब आप इसको निकाल दें। मेरे पास यहाँ अभी चॉपर नहीं है, वरना मैं क्या करती कि मैं गूंद को चॉप कर देती। बिल्कुल ग्राइंड कर दीजिएगा, गूंद नज़र नहीं आना चाहिए, और गूंद ग्राइंड करें तब आप उसके साथ ड्राई फ्रूट भी ग्राइंड कर दीजिएगा। चलिए इसका हम चूल्हा कर देते हैं बंद और मिक्स कर देते हैं इसमें चीनी, और फिर हम किसी बोल में या जार में निकाल दीजिएगा, लेकिन पहले इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा। चीनी डाल के पकाइएगा नहीं, चीनी आप जितनी मैंने लिखी है रेसिपी कार्ड में उतनी ही आप डालिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। यू डोंट वॉन्ट एक्सेप्शनली स्वीट, ठीक है, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं। ओह द बोट हैज़ गॉन सो फार। चलिए दिस इज़ रेडी, अब ऐसे करते हैं ब्रेक ले लेते हैं,
ठीक है, एक और ब्रेक लेते हैं, हम जरा क्लीन अप करेंगे अपना काउंटर, जार्स में निकालेंगे पंजीरी। आप देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज फ्रॉम पीएफ योर्च क्लब। ओके जी, तो अब आपको मैं बताती हूँ जरा रीकैप अपने दोनों रेसिपीज़ का। आज मैंने पंजीरी बनाई थी, जार्स में भर दीजिएगा जब ठंडी हो जाए, एंड देन एन्जॉय इट ड्यूरिंग दिस लवली विंटर सीज़न। और जो कलेजी हमने बनाई थी कढ़ाई, वो भी। सो कलेजी को धोइएगा अच्छी तरह, छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा, जल्दी पक जाएगी, ठीक है। एक्सेस जो इसका खून वगैरह हो वो स्ट्रेन कर दीजिएगा, छन्नी में रख दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन लगा के उसको छोड़ दीजिएगा, फिर उसको धोइएगा तो कभी भी उसकी स्मेल नहीं आएगी। फिर थोड़ा सा तेल आप गर्म कीजिएगा, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, आप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं, मैंने इसमें हल्दी डाली थी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छी तरह आप टमाटर डाल के, 3-4 टमाटर चॉप करके डाल के उसको आप पकने दीजिएगा। आई डिडंट ऐड एनी वाटर, ठीक है, टमाटर का अपना पानी निकला था वही हमने इस्तेमाल किया। हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें, उसके बाद आप जब डालेंगे कलेजी तो उसको पकने दीजिएगा। कलेजी में भी मैंने पानी नहीं डाला था। कलेजी जब पक जाए तो ऐसे आपको पता चलेगा, बिकॉज यू विल पोक अ नाइफ थ्रू एंड यू विल सी के जूसेस रन क्लियर, ठीक है, कोई खून वून नहीं निकल रहा है। मगर उसको ओवर कुक नहीं करिएगा, अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो वो हार्ड हो जाती है। उसके बाद फिर आप जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से गार्निश कर दीजिएगा। लंबाई में कटी हुई अदरक है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, और कसूरी मेथी का पिंच मैंने थोड़ा सा डाला था, एक चुटकी भर कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। ये हो गया। फिर हमने पंजीरी में क्या किया था, पंजीरी में 2-3 चम्मच भर के आप घी लीजिएगा, पिघला दीजिएगा, और फिर आप उसमें 3/4 कप एडिबल गम यानी गोंद डालिएगा, ठीक है, उसको आप फ्राई होने दीजिएगा, फ्राई होगा, डबल हो जाएगा साइज़ में, और वो थोड़ा कलर भी उसका डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसमें पफ लोटस सीड्स डालने हैं, जो कि फूल मखाना हम कहते हैं, 3 कप जितने मैंने लिए थे, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ते, कुछ भी आपको, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, वो डाल के अच्छी तरह घी में भूनिएगा। आपको लगे सूखा हो रहा है तो और घी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको निकाल के पीस भी सकते हैं। कुछ लोग पंजीरी में ये फूल मखाने वगैरह साबुत नहीं रखना चाहते हैं, पीस लीजिएगा, ठीक है, पुट एवरीथिंग इन योर लिटिल ग्राइंडर इन बैचेस और आप उसको पीस लीजिएगा। पीस के फिर निकालिएगा, फिर आप उसमें सूजी डालिएगा और मज़ीद आप उसमें घी डालिएगा, चीनी जाएगी उसमें, इलायची पाउडर जाएगा, एंड जस्ट कीप स्टरिंग इट। सूजी को आपको भूनना ज़रूरी है, मैंने इसमें खोपरा भी डाला था, डेसिकेटेड कोकोनट, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। आप भूनते रहिएगा, ठंडा करिएगा, जार में भर दीजिएगा। सो आई होप आपने आज की ये दोनों रेसिपीज़ एन्जॉय की, एम्बियंस आपने एन्जॉय किया ही होगा, and all the things that we showed you at the PAF Yacht Club today. कलेजी कड़ाही, अच्छा, बकरी की कलेजी 1/2 किलो, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 1/2 कप, टमाटर चॉप 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/2 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/2 खाने का चमचा, हरी मिर्चे 3 अदद, जीरा 1/4 चमचा, धनिया 1/4 चमचा, नमक 1/2 चाय का चमचा, खुश्क मेथी पत्ते 1/4 चमचा, अदरक जुलियन कट 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे। तरकीब, बकरी की कलेजी में अदरक मिक्स करके 10 मिनट रख दें, फिर कलेजी को पानी से धोकर खुश्क कर लें। अब तेल गर्म करके इसमें टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं, फिर इसमें अदरक लहसुन, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, कुटा लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करके सौते करें। उसके बाद इसमें कलेजी डालकर सौते करें, फिर पिसा जीरा, धनिया और नमक डालकर मिक्स करें, फिर इस पर खुश्क मेथी, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर सर्व करें। पंजीरी, अच्छा, घी 2-3 खाने के चमचे, गोंद 3/4 कप, पफ्ड लोटस सीड्स 3 कप, काजू 1/2 कप, बादाम 1 कप, पिस्ते 3/4 कप, किशमिश 1/2 कप, खुश्क 4 मगज 1 कप, सूजी 1/2 किलो, पिसा खोपरा 1 कप, पिसी इलायची 1/4 चमचा, पिसी चीनी 1/2 किलो। तरकीब, घी गर्म करके इसमें गोंद फ्राई करें, अब इसमें पफ्ड लोटस सीड्स डालकर गोल्डन कर लें, फिर इसमें काजू डालकर गोल्डन कर लें, उसके बाद बादाम डालकर फ्राई करें और मज़ीद घी मिला दें। अब पिस्ते शामिल करके फ्राई करें, अब इसे चॉपर में डालें और फ्राइड नट्स मोटा चॉप करके एक तरफ रख दें। उसके बाद घी गर्म करके किशमिश फ्राई करें, फिर 4 मगज और सूजी मिलाकर मुसलसल चमचा चलाएं। जब खुशबू आने लगे तो मोटे पिसे फ्राइड नट्स, खुश्क 4 मगज, किशमिश, पिसा खोपरा, पिसी इलायची और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे एयर टाइट जार में डालकर 2-3 महीने महफूज कर सकते हैं। जी, तो अब मैं बहुत, मुझे अब सर्दी लग रही है, कुकिंग भी हो गई है, एंड आई एम एन्जॉइंग द एम्बियंस हियर। आई होप आपने भी ये हमारा ये स्पेशल शो एन्जॉय किया होगा, एपिसोड ज़रूर देखिएगा और फिर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, रेसिपीज़ भी ट्राई करिएगा। चलिए जी, अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, और मेरी टीम को भी, जो बिग थैंक यू टू माई टीम एज़ वेल, बिकॉज दे वर्क हार्डर देन मी। आपको लगता है कि स्क्रीन पर तो सिर्फ हम आते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे वो लोग होते हैं, एंड अ बिग थैंक यू टू माई फूड डायरीज टीम।
ओके जी, एंड बिग थैंक यू टू द मैनेजमेंट एज वेल अगेन ऑफ पीएफ यॉट क्लब. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर टू कम हियर एंड कुक हियर. और बहुत हमें मज़ा आया, हमें बहुत एंजॉय किया. और अब मैं दिमाग में चीज़ें प्लान करने जा रही हूँ कि और हम क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकते हैं. ठीक है, सो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे ये क्लब एंड मोर फैसिलिटीज़. आप भी आइएगा, ज़रूर इन्जॉय करिएगा. चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, मुलाकात होगी एक और एपिसोड में. देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. अल्लाह हाफिज़. मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़.